सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं कि रांची में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ने वाली है। अगर हम राजमहल की बात करें तो राजमहल से दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर पर जेएमएम उतारेगा उम्मीदवार। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा न्यूज 11 भारत। कोडरमा सीट पर भी माले का होगा ये उम्मीदवार। सूत्र के हवाले से ये खबर आप तक। जहां आरजेडी की अगर बात करें तो उन्हें भी 1 सीट इस चुनाव में दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बता दें कि झारखंड में 7 सीटों पर जो चुनाव कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उम्मीदवार वो उतारते हुए नजर आएंगे, जबकि अगर जेएमएम की बात करें तो उनकी तरफ से भी सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ेगी और आरजेडी को यहां पर 1 सीट दी जाएगी, 5 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। तो कोडरमा सीट पर भी मालिका ये उम्मीदवार होगा, आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर। रांची में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो चुका है। 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्र के हवाले से ये खबर आप तक। तो आपको बता दें कि आरजेडी पर भी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि 7 सीटों पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और 5 सीटों पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार उतर सकते हैं। तो हमने देखा, आपको बता दें कि बीजेपी ने हालांकि बहुत ही पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गठबंधन की बात करें तो उनमें जरा देरी जरूर देखी जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही 7 सीटों पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। जबकि जेएमएम की अगर हम बात करते हैं तो जेएमएम भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और आरजेडी को 1 सीट दिया जाएगा। जल्द ही इसका उम्मीदवारों का लिस्ट जो है वो जाहिर हो सकता है। हालांकि सूत्र के हवाले से ये खबर आप तक न्यूज 11 भारत आपको पहुंचा रहा है। तो 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चले कि जेएमएम के 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ये दावेदार जो सामने होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सिर्फ आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को भी 1 सीट यहां मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये खबर सूत्र के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट जो है बहुत पहले जारी कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से यानी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 सीटें जो है कांग्रेस को दी जाएगी, जबकि जेएमएम की अगर हम बात करें तो उन्हें 5 सीट दी जाएगी और आरजेडी को जो है कहा जा रहा है 1 सीट दी जाएगी। और शनिवार तक कहा जा रहा है कि उम्मीदवार जो है उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। तो थोड़ा और इंतजार और ये जो क्लियरिटी है वो सामने होती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि हालांकि इंतजार तो लंबे वक्त से चल रहा है कि आखिरकार गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे। ये तमाम लोग इंतजार करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार और कहा जा रहा है कि शनिवार तक भी हो सकता है क्लियरिटी सामने आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी इस रेस में कहीं ना कहीं आगे निकल चुकी है। उन्होंने कब का अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया और गठबंधन को लेकर जो मंथने हैं वो लगातार बरकरार है। देखना होगा कि किन नामों पर मुहर लग सकती है, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा और कहा जा रहा है कि शनिवार तक ये क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 उम्मीदवारों को जो है गठबंधन उतार सकती है, जबकि जेएमएम की बात करें तो 5 सीट उन्हें भी दी जाएगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, रुख करते हैं विपिन का। विपिन, कहा जा रहा है जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी इस रेस में काफी आगे निकल चुकी है, काफी पहले ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन गठबंधन जो है वो कश्मकश में फंसता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि शनिवार तक यानी शनिवार को क्लियरिटी सामने आ जाएगी कि किस किस सीट पर किसे जो है मौका मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 7 सीटें जो है वो मिलेगी, अगर हम जेएमएम की बात करते हैं तो उनकी तरफ से 5 सीट जो है दावेदारी की जा
जा रही है। आपके पास क्या जानकारी है, कब तक क्लैरिटी जो है वो सामने आएगी? जी देखिए, लगभग खाका तैयार हो चुका है झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर। जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें कौन से दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इस पर लगभग लगभग सहमति बन चली है। जो औपचारिकताएं हैं सीटों की घोषणा की, उसे संभावनाएं बहुत हद तक है कि इस सप्ताह तक दिल्ली या रांची में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी मिलकर झारखंड में जो गठबंधन है, जो जिस गठबंधन के में सरकार चल रही है, वो लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की घोषणा कर सकती है। और अब तक अगर सीटों की बात करें तो 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और 1 सीट पर भाकपा माले जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड में लोकसभा के चुनावी मैदान में होगा। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जिन 7 सीटों को लेकर दावा है उसमें चतरा या पलामू में से किसी एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर राजद जो है अपना उम्मीदवार उतारेगा। और लगभग जेएमएम के 5 सीटें तय हो चुके हैं। उस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा राजमहल संसदीय क्षेत्र, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और चाईबासा में अपना उम्मीदवार उतारेगा। चाईबासा जो कांग्रेस की सीटिंग सीट थी, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है कि वहाँ के 6 लोकसभा में से 5 विधानसभा 6 माफ करिएगा जो लोकसभा की 6 विधानसभा सीटें उसमें से 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और 1 जगन्नाथपुर की सीट पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है। तो पूरी तरीके से चाईबासा की सीट पर लोकसभा वार भी और विधानसभा वार भी गठबंधन की पकड़ काफी मजबूत है। इस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार चाईबासा क्षेत्र से होगा। तो ये 5 सीटें जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत हद तक चुनाव लड़ने की संभावना है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस रांची, खुट्टी, लोहरदगा, हजारीबाग, धनबाद, गोड्डा और जैसा पहले मैंने बताया था पलामू या चतरा में से किसी एक सीट पर उम्मीदवार कांग्रेस देगी। माले के हिस्से में कोडरमा संसदीय क्षेत्र का जाना लगभग तय हो चुका है और वही राजद पलामू या चतरा में से अपना एक उम्मीदवार यहां पर उतारेगा। तो 7-5-1-1 का समीकरण झारखंड में इंडिया एलायंस का होगा। औपचारिकता बस बाकी है यहाँ पर सीटों की घोषणा की और कभी भी इसको लेकर घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब कांग्रेस झारखंड की 14 की जरूरत है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्लैरिटी जो है सामने आ जाएगी कि गठबंधन किन चेहरों को मौका देते हुए नजर आती है। तमाम जानकारियों के लिए विपिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।